तो देखिए शुभ समाचार में विस्तार से खबरों की बात करते हैं और सबसे पहले बात मौसम की करते हैं, जिसका अलग अलग मिजाज देश के तमाम हिस्सों में साफ नजर आ रहा है। एक तरफ उत्तर भारत के कुछ इलाकों में जून में भी बादलों की मेहरबानी बरस रही है, तो कहीं धूल भरी आंधी ने मौसम का मिजाज बदल कर रख दिया है। कुछ इलाके गर्मी से भी बहाल है। आपके सामने देश के तीन हिस्सों से मौसम के मिजाज की तीन अलग अलग तस्वीरें हैं। देखिए पहली तस्वीर मथुरा की है, जहां बादलों ने जून की गर्मी को शांत कर दिया है। यहां जमकर बारिश हुई, जिसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। दूसरी तस्वीर राजस्थान की है, जहां कल धूल के भवंडर ने सभी को डरा दिया। हालांकि मौसम के इस रुख से गर्मी से भी लोगों को राहत जरूर मिली है। वहीं रांची कल तेज धूप की तपिश में जलती हुई नजर आई, यहाँ पारा 40 के ऊपर दर्ज किया गया। देखिए जाहिर है कि झारखंड में भी जमकर गर्मी पड़ रही है। ये तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मौसम का अलग अलग मिजाज अलग अलग जगह पर देखने को मिल रहा है। देखिए राजस्थान में एकाएक मौसम बदला और पांच जिलों में धूल का गुब्बार छा गया। कल शाम जैसलमेर, चुरू, बीकानेर और हनुमानगढ़ी में ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। आंधी की स्पीड इतनी थी कि देखते देखते उसने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम एक्टिव है, जिससे अगले तीन दिन ऐसी ही आंधी चलने की संभावना जताई जा रही है। कुछ इलाकों में बारिश भी हो सकती है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से धूल भरी आंधी देखने को मिली। अब देखिए दिल्ली वालों के लिए मौसम के मोर्चे पर राहत की खबर सामने आ रही है। क्या ये खबर? देखिए मई में मानसून का मजा देने वाले बादल फिलहाल बरकरार रहेंगे। अगले कुछ दिनों तक जून की गर्मी के बीच किस्तों में राहत की फुहारें पड़ती रहेंगी। इसके साथ ही दिल्ली में आने वाले दिनों में हीट वेव की भी कोई संभावना नहीं है। दूसरी अच्छी खबर यह है कि आज केरल में मानसून दस्तक देने को तैयार है। बादलों की मस्ती से दिल्ली की मई कुल कुल गुजरी। अब जून की जलन पर भी राहत की बौछार के लिए बादल तैयार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में टेम्परेचर में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन गुड न्यूज ये है कि राहत के बादल अभी भी मंडराते रहेंगे। ये टेम्परेचर अभी आने वाले दिनों में 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है, तो लगभग 40 और 41 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास 11 तारीख तक पहुंचेगा। और लेकिन साथ में एक और बात यह है कि ये टेम्परेचर दिन के टाइम में बढ़ेगा, परंतु शाम रात में आज और कल हल्की बारिश होने के चांसेस हैं, तो जिससे नमी का लेवल हमारे पास बढ़ जाएगा और जो डिस्कम्फर्ट लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन बारिश के प्रभाव से कुछ फौरी तौर पर राहत भी मिलेगी। इतना ही नहीं, अभी फिलहाल हीट वेव की कोई आशंका नहीं। राजस्थान के डस्ट स्टॉर्म के अलर्ट को लेकर भी दिल्ली वालों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका असर दिल्ली पर बिल्कुल न के बराबर रहेगा। जो साउथ दिल्ली का इलाका है, साउथ हरियाणा का इलाका है, यहाँ पर बारिश, हल्की बारिश होने के चांसेस है, लेकिन फिलहाल कोई स्ट्रॉन्ग डस्ट स्टॉर्म आने के चांसेस दिल्ली शहर में नहीं है। वहीं जहां मानसून के दिल्ली तक आने की बात है, उसके लिए अभी लगभग एक महीने का इंतजार करना होगा। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो इस बार मानसून के लेट आने की वजह अरब सागर की साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनी। उम्मीद है कि आज मानसून केरल में दस्तक दे सकता है। अभी जो है सबसे पहले मानसून का ऑनसेट केला कोस्ट में होता है, तो पहले वो केरला कोस्ट में ऑनसेट होगा, उसके बाद धीमे धीमे करके प्रोग्रेस होता है, नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होता है और उसके बाद दिल्ली एनसीआर में आता है, तो इसके लिए अभी लगभग हमारे पास एक महीने का टाइम है। तो दिल्ली में फिलहाल बादलों की मनमर्जी जारी रहेगी और लोगों को किस्तों में ही सही राहत मिलती रहेगी। मौसम विभाग ने दिल्ली वालों के लिए एक गुड न्यूज सुनाई है। आज से दिल्ली में फिर से बारिश हो सकती है और आने वाले पूरे हफ्ते में दिल्ली में तापमान 40 डिग्री से नीचे ही रहेगा। हीट वेव भी दिल्ली में चलने की कोई आशंका अभी तक मौसम विभाग ने नहीं जताई है। कैमरा पर्सन शैलेंद्र के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज टुडे। मध्य प्रदेश के सीहोर में मिशन जिंदगी जारी है। पिछले करीब 18 घंटों से बोरवेल में फंसी 3 साल की मासूम को बचाने की जद्दोजहद लगातार चल रही है।
स्थानीय पुलिस प्रशासन के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात रही। बोरवेल की खुदाई का काम चालू है, लेकिन दिक्कत है नीचे पथरीली जमीन, कठोर चट्टान ये है, जिसकी वजह से खुदाई में काफी दिक्कत आ रही है। दिक्कत सिर्फ इतनी ही नहीं है कि खुदाई से बच्ची खिसर कर और नीचे धंसी चली जा रही है। पहले 29 फीट की गहराई पर बच्ची फंसी हुई थी, खुदाई के बाद अब वो खिसक कर 50 फीट नीचे जा चुकी है। जानकारी के मुताबिक घटना बुधवार दोपहर की है, जब सीहोर के मुंगावली गांव में 3 साल की मासूम सृष्टि खेलते खेलते 300 फीट गहरे बोरवेल में जा गिरी। घटना की सूचना जैसे ही मिली पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया। आधी रात से एनडीआरएफ एसडीआरएफ की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया, जो अब तक लगातार जारी है। पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हालात पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और पल पल की प्रतिक्रिया और साथ ही में जो जानकारी है वो लगातार ले रहे हैं। देखिए तीन तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, रात भर हम लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। हमारी सभी टीमें रात भर से काम कर रही हैं, खुदाई भी लगातार चल रही है, लेकिन जो रॉक स्ट्रेटा है, नीचे की परतें हैं जमीन की, वो काफ़ी पथरीली हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, उनको खोदने में तोड़ने में सा समय लग रहा है। अभी तक हम 30 फीट तक पहुँच गए हैं, लेकिन लगातार पत्थरों के वाइब्रेशन के कारण, चूंकि एक सिंगल रॉक प्लेट है, इसके कारण वाइब्रेशन हो रहा है, जिसके कारण बच्ची धीरे धीरे नीचे, जैसे हम पत्थर खोदते हैं नीचे जाती है, इस कारण से समय लग रहा है। और हम अन्य कन्वेंशनल तरीकों से भी बच्चे को निकालने का प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है जल्दी से जल्दी बच्चे को। लगातार जैसा आप देख पा रहे हैं मशीनें चल रही हैं, बच्ची को लोग निकालने के लिए साइड से जो ट्रेंच खोदने का अभियान चल रहा है वो भी लगातार चल रहा है। काम कर रहे हैं, इसके अलावा एनडीआरएफ अलग से भी इंटरनेशनल मेथड से भी प्रयास कर रही है बच्ची को निकालने की, जिनमें अभी तक हमें सफलता नहीं मिली, लेकिन लगातार कोशिश जारी है, होपफुली सफलता मिलेगी। खुदाई अभी जो साइड में जो ट्रेंच खुदी है वो लगभग 28-29 फीट हो गया है, लेकिन अब चूंकि हार्ड रॉक है और मशीनों को काम करने के लिए रैम बनाना है, वर्किंग स्पेस निकालना है, तो साइड में हम लोग जगह बनाए लगातार। और आपको बता दें सीहोर के मुंगावली गांव में जिस जगह पर यह घटना हुई वहां से हमारे संवाददाता लगातार जानकारी दे रहे हैं। इस वक्त क्या है हालात बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवीश पाल सिंह। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर के एक गांव में बोरवेल में गिरी सृष्टि को बचाने का अभियान 17 घंटों से लगातार जारी है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहा है, जैसे जैसे समय बीत रहा है, वैसे वैसे जो सृष्टि है, बताया जा रहा है कि बोरवेल में और नीचे की ओर वो जाती जा रही है। अभी तस्वीरों को अगर हम देखें तो 17 घंटे बाद की स्थिति हम आपको दिखाते हैं। करीब एक दर्जन से ज़्यादा जो मशीनें हैं यहाँ पे बोरवेल जो खुदाई के लिए यहाँ पे लगातार लगाई गई हैं, 4 पोकलेन है, बाकी की जेसीबी, और अगर आप देखें तो युद्ध स्तर पर ये पूरा काम जो है यहाँ पे चल रहा है, ताकि जो बच्ची 2.5 से 3 साल के बीच की जो बच्ची है सृष्टि, जो इस बोरवेल में गहरे तक चली जा चुकी है, उसे समय से निकाला जा सके, उसे बचाया जा सके। हालांकि जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे आपको बता दें कि खतरा भी बच्ची की जिंदगी पर बढ़ता जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा समय अब तक बीत चुका है और आपको बताएं कि मंगलवार दोपहर बच्ची जो है खेलते खेलते इस खुले बोरवेल में गिर गई थी। बताया जा रहा है कि बोरवेल को सिर्फ एक कपड़े से ढक दिया गया था और बच्ची अचानक से, क्योंकि पास में ही उसका घर है, तो खेलते हुए वो अचानक से इस बोरवेल में गिरती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि उनका गृह जिला भी है, तो लगातार इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। सामने अगर आप देखें तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार तैनात हैं, जो बच्ची के जो बोरवेल है उस पर कैमरा लगा करके बच्ची को लगातार देखा जा रहा है, वॉच किया जा रहा है। हालांकि बहुत ज़्यादा हलचल जो है वो, बहुत ज़्यादा मूवमेंट उसके अंदर भले ही ना दिख रहा हो इस समय, लेकिन प्रशासन जो है वो पूरी मुस्तैदी से यहाँ पे लगा हुआ है, इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। और आपको बता दें कि अभी जो थोड़ी देर पहले की जानकारी आई है उसके मुताबिक जो बच्ची है वो फिलहाल 50 फीट के आसपास की गहराई पे जो है बोरवेल में वो फंसी हुई है, और बोरवेल क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गहरा है और सबसे ज़्यादा दिक्कतें जो आ रही हैं वो नीचे जो है अगर आप देखें तो बेहद ज़्यादा पथरीली जमीन है, जिसे पत्थरों को, चट्टानों को काटने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना जो है फिलहाल वो प्रशासन को करना पड़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे अब अगर आप देखें तो खुदाई होती जा रही है, काफ़ी नीचे तक जो गहराई तक जो है वो गड्ढा खोदा जा चुका है और अब टनल बनाने का काम जो है इसके बाद शुरू किया जाएगा, जिसके बाद अंततः
बच्ची को जो है निकाला जा सकेगा। लेकिन फिलहाल आपको बताया तो 17 घंटे बाद भी सृष्टि फिलहाल इस गहरे बोरवेल में फंसी हुई है, जिसे युद्ध स्तर पर निकालने का काम जारी है। कैमरामैन अमरीश और नावेद के साथ अवीश पाल सिंह, सीहोर। ईश्वर से प्रार्थना है कि सृष्टि जो है सलामत रहे, सही सुलह बाहर आ सके। बात कुछ और खबरों की होगी। देखिए आस्था के महोत्सव की बात करते हैं। 6 तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए पहली तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं, अयोध्या से निकल कर आ रही है। देखिए राम मंदिर के भव्य द्वार के लिए चंद्रपुर से लकड़ियों का पहुंचने का सिलसिला वहां पर शुरू हो गया। जल्द यहां पर काष्ठ समर्पण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत मंदिर को ये लकड़ियां जो है सौंपी जाएंगी। जम्मू से भी शुभ समाचार निकल कर आ रहा है। यहां पर देखिए श्रद्धालु जो हैं जल्द तिरुपति बालाजी के दर्शन कर सकेंगे। वहीं देखिए उत्तराकाशी भी इस वक्त आस्था के रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। यहां पर प्राचीन सीढ़ियां लोगों के आकर्षण का मुख्य केंद्र इस वक्त बनी हुई हैं। इंदौर की अगर हम बात करें तो देखिए मंदिर में भक्तों का चढ़ावा देखने योग्य है, सबको चौंका रहा। इसमें विदेशी मुद्रा भी शामिल है। अब बात करते हैं धार्मिक पर्यटन से जुड़ी एक बड़ी खबर की। देखिए मां के दरबार जम्मू में अब लोग तिरुपति बालाजी के दर्शन भी कर सकेंगे। 62 एकड़ में बने इस भव्य मंदिर में कल से भक्तों की एंट्री जो है वो शुरू हो जाएगी। सिदरा इलाके में शिवालिक जंगलों के बीच तिरुपति बालाजी का ये मंदिर बनाया गया है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की ओर से इसका निर्माण कराया गया है। इस मंदिर में आपको दक्षिण भारत की उत्कृष्ट कलाकारी देखने को मिलेगी। भव्य परिसर, अद्भुत कलाकारी और भगवान की प्रतिमाओं से सजा द्वार। जी हाँ, यह है सिधरा इलाके में शिवालिक जंगलों के बीच बना तिरुपति बालाजी का दिव्य द्वार, जिसे 8 जून से भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के लोगों को एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जम्मू शहर से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर शिवालिक पर्वत श्रृंखला के बीचों बीच तिरुपति बालाजी का मंदिर बन रहा है और इसका निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। माता वैष्णो देवी दरबार के बाद ये जम्मू का सबसे बड़ा मंदिर होगा। इस मंदिर से जम्मू के धार्मिक पर्यटन को भी भरपूर बढ़ावा मिलेगा। लोगों के कुछ सपने हुआ करते थे, यहाँ पर तवी रिवर फ्रंट बने, यहाँ पर झील बने, यहाँ पर गंडोला बने, लेकिन हम सुनते ही थे, किया किसी ने कुछ नहीं। आज स्मार्ट सिटी के रूप में एक जम्मू को उभारा जा रहा है। इसी तरह जो सभी प्रोजेक्टों की मैं बात कर रहा हूँ, सभी प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है और जल्द ही जम्मू एक पर्यटन क्षेत्र बनेगा और आसपास के जो इलाके हैं इसमें रिलीजियस टूरिज्म और दूसरी चीजों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस भव्य मंदिर का निर्माण तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की ओर से किया गया है। इस ट्रस्ट की ओर से देश में बनाए जाने वाला ये 5वां मंदिर है। करीब 62 एकड़ में फैले इस मंदिर के निर्माण में लगभग 30 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसके लिए जमीन भी जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई है। पत्थरों से बना यह मंदिर दक्षिण भारत की उत्कृष्ट कलाकारी का नमूना है। इसका निर्माण बड़ी संख्या में आंध्र प्रदेश से आए कारीगरों और मजदूरों ने किया। इसकी खास बात यह है कि ये जो मंदिर है ये तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट बना रहा है और जम्मू कश्मीर सरकार ने इस मंदिर को बनाने के लिए 62 एकड़ जमीन जो है तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट को दी है और 30 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट है जो कि लगभग अब पूरा हो चुका है। आस्था की भूमि जम्मू में धार्मिक पर्यटन बढ़ाने के साथ ही ये मंदिर लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराएगा। जम्मू में बदलती तस्वीर के बीच ये एक सुखद तस्वीर है। उम्मीद है कि भगवान बालाजी के दरबार में पहुंचकर जहां भक्तों की मनोकामना पूरी हो, वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों की जिंदगी में भी नई तरंग आए। सुनील जी भट्ट, जम्मू, गुड न्यूज टुडे। देखो उत्तराखंड में गंगोत्री धाम में आजकल अनोखी सीढ़ियां लोगों के आकर्षण का मुख्य केंद्र बनी हुई है। इन सीढ़ियों को 17वीं शताब्दी में तिब्बत से व्यापार के लिए बनाया गया था, लेकिन प्रशासन ने इसका जब से जीर्णोद्वार कराया है, इसके देखने के लिए सैलानियों का मजमा देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड पर देवताओं का आशीर्वाद तो बरसता ही है, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को भी देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं।
ऐसा ही एक जगह आजकल लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। गंगोत्री धाम के नजदीक एक पौराणिक और अनोखी सीढ़ियों को देखने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। गंगोत्री धाम से 10 किलोमीटर पहले ही गरतांग गली नाम से मशहूर एक जगह है। यहाँ पर ही इन सीढ़ियों का जीर्णोद्वार वन विभाग और प्रशासन ने मिलकर किया है। एक स्पेशल बहुत महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन डेवलप किया गया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। इस स्थान को बोलते हैं गरतांग गली ट्रैक, जिसका निर्माण पेशावर के पठानों द्वारा कभी करवाया गया था, लेकिन ये बिल्कुल जर्जर हालत में था और अब प्रशासन और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मिली एक रोड मैप के द्वारा इस स्थान को, इस पगडंडी को डेवलप किया गया। आजादी से पहले उत्तरकाशी में तिब्बत के साथ व्यापार के लिए नेलांग वैली में खड़ी चट्टान वाले हिस्से में लकड़ी का रास्ता बनाया गया था, जिसे आज गरतांग गली के नाम से जाना जाता है। गरतांग गली पहले व्यापारिक मार्ग हुआ करता था, जहां से ऊन, गुड़ और मसाले वगैरह भेजे जाते थे। पहाड़ पर उकेरा गया ये पुराना मार्ग आज भी लोगों के लिए रोमांच और आश्चर्य का विषय बना हुआ है। बहुत बढ़िया लगा। 12 बजे के करीब हम यहाँ से गए थे और हमारे पूरा आना जाना रुकना 3 घंटे का वो बैठा टूर। दैट वाज वेरी नाइस एंड व्यू बहुत अच्छा था। नीचे जाके थोड़ा स्टेयर्स थी, हम नीचे गए बट वो क्लोज थी आगे जाके, बट साइड में से एक रिवर बैरी है, उसको तुम देख सकते हो, पूरी वैली को देख सकते हो और जो चढ़ाई थी वो भी नॉर्मल थी। जो भी पर्यटक यहाँ आते हैं उनसे शुल्क भी लिया जाता है। प्रति भारतीय जहाँ ये शुल्क 150 रुपए है, तो विदेशियों के लिए ये शुल्क 600 रुपए प्रति व्यक्ति तय किया गया है। उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर शहर। वहां का फेमस खजराना गणेश मंदिर इन दिनों काफी सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि खजराना का खजाना गिना जा रहा है। असल में इन दिनों वहां मंदिर की दान पेटियों को खोलकर उसमें जमा रकम की गिनती की जा रही है। इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में दान में मिली रकम की गिनती जारी है। ये गिनती 20 दिनों तक जारी रहेगी और इस काम के लिए नगर निगम के 20 कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाया गया है। भगवान गणेश के इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर में भक्त दूर दूर से दर्शन के लिए पहुंचते हैं और दिल खोलकर दान भी करते हैं। नकदी के अलावा भक्त यहाँ सोने चांदी के जेवरात भी चढ़ाते हैं और इस बार तो मंदिर को बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भी दान में मिली है। इस बार वो बड़े आश्चर्यजनक रूप से विदेशी मुद्राएं बहुत निकली हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन में जो प्रवासी भारतीय आए थे उन लोगों का हमने बढ़ चढ़ के स्वागत किया था। असल में मंदिर में 36 दान पेटियां हैं, इनमें करीब 16 दान पेटियां खोली जा चुकी हैं, जिनसे 2000 के भी कई नोट मिले हैं। 500 का एक नोट निकला है और 2000 का पूरा 100 की गड्ढी निकली है, यानी 2 लाख रुपए निकले हैं अभी तक। गणना जारी है, आगे और उम्मीद है। पिछले साल इन दान पेटियों से 1,35,00,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई थी, लेकिन इस साल ये रिकॉर्ड टूट सकता है। इसके अलावा मंदिर प्रशासन को दान की इस पेटियों से कुछ चिट्ठियां भी मिली हैं। ये वो खत है जो भक्तों ने भगवान को लिखी है। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, इंदौर, गुड न्यूज टुडे। संस्कृत से संस्कृति की पहचान। संस्कृत को देवभाषा कहा जाता है और यही देवभाषा इंसानों को सिखाने के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं। बाकायदा उड़ीसा के भुवनेश्वर में संस्कृत संभाषण शिविर लगाया गया है और यहां लोगों को संस्कृत में बात करना बाकायदा सिखाया गया है और व्याकरण की तमाम जानकारी दी जा रही है। देखिए, भारत माता की जय। ये कोशिश है देववाणी संस्कृत को आम जनमानस तक पहुंचाने की। ये कोशिश है संस्कृत भाषा को आम बोलचाल में लाने की। इसी उद्देश्य से ओडिशा के भुवनेश्वर में 15 दिनों तक संस्कृति संभाषण शिविर लगाया गया, जिसमें हर उम्र के संस्कृति भाषा प्रेमियों ने हिस्सा लिया।
इनमें बड़ी संख्या में युवा शामिल रहे। शिविर में शामिल लोगों को खेल खेल में संस्कृत भाषा की जानकारी दी गई, ताकि वो उन शब्दों को आम बोलचाल में इस्तेमाल कर सके। किसी ने संस्कृत में गीत गाए तो किसी ने संस्कृत में कविता सुनाई। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने संस्कृत में देशभक्ति गीत गाकर समा बांध दिया। भारत भूषण, जय तू, जय तू। इस शिविर में शामिल लोगों को संस्कृत भाषा के क्षेत्र में हुए रिसर्च और प्राचीन ग्रंथों के बारे में भी बताया गया। विश्व की लगभग सभी भाषाओं को अगर हम लोग सीखे तो उसका मूल कहीं ना कहीं संस्कृत भाषा का दिखता है। इसलिए भाषा के तौर पर, ज्ञान विज्ञान के तौर पर अगर इसको हम लोग प्रचारित करेंगे तो ये फिर से एक बार जो पुराने ऋषि मुनियों ने जो निश्चित रूप से वैज्ञानिक थे वो उनका ज्ञान हम दुनिया के सामने रख सकते हैं। शिविर का आयोजन संस्कृत भारती संगठन की तरफ से किया गया, जिसका मकसद इस भाषा को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुँचाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जाको राखे साइया मार सके न कोई, ये कहावत एक बार फिर से चरितार्थ हुई है। बालासोर ट्रेन हादसे के 48 घंटे बाद एक आदमी को जिंदा बचाया गया है। ये घायल आदमी असम का रहने वाला है, जिसे अब इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मौत को मात देकर लौटे इस आदमी ने ट्रेन हादसे की आंखों देखी भी बताई। बालासोर ट्रेन हादसे के बाद कई ऐसे लोग हैं जो मौत को मात देकर अपनों के बीच लौटने में कामयाब रहे हैं। ऐसे ही एक यात्री का पता चला है जो इसी भीषण ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों के बीच 48 घंटे के बाद जिंदा मिला। मौत को मात देने वाले इस आदमी का नाम दुलाल मजुमदार है और वो असम का रहने वाला है। दुलाल मजुमदार, मेरा नाम दुलाल मजुमदार। आपका घर कहाँ है? मेरा घर असम। राहत और बचाव में जुटी टीम ने उसका रेस्क्यू किया और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। अस्पताल में भर्ती दुर्लभ अभी सदमे में है, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि उसकी जान खतरे से बाहर है। बताया गया कि भूखा प्यासा दुलाल मजुमदार हादसे के बाद पटरियों के किनारे झाड़ियों के बीच दबा हुआ था। इसी बीच हादसे को 48 घंटे बीत चुके थे और सर्च ऑपरेशन लगभग थम चुका था। ट्रैक को ट्रेन के लिए खोले जाने की तैयारी चल रही थी, तभी अचानक हिलती हुई झाड़ियों पर बचाव टीम की नजर पड़ी और वहां जाकर देखा तो घायल दुलाल नजर आया। दुलाल की तरह ऐसे कई और लोग भी हैं जो मौत को मात देने में कामयाब रहे। कोई हादसे के वक्त किसी और बोगी में होने से बच गया तो कोई पोस्टमार्टम के लिए रखे शवों के बीच से घंटों बाद जिंदा मिला। मौत को मात देने वाले ये लोग उन परिवारों के लिए आशा की किरण बनकर उभरे हैं जिन्हें अभी भी अपनों का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, बिहार को जल्द ही वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलने जा रही है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि वंदे भारत बिहार की राजधानी और झारखंड की राजधानी रांची के बीच चलने जा रही है। मंगलवार को जब वंदे भारत एक्सप्रेस की रेल जो है पटना स्टेशन पर पहुंची तो इसे देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार वंदे भारत ट्रेन को लेकर लोगों में कितना क्रेज है, उत्साह है और कैसे लोग जो है वंदे भारत के साथ सेल्फी लेना चाहते हैं। जानकारी के मुताबिक जल्दी वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल जो है शुरू किया जाएगा। ट्रायल सफल होने के बाद परिचालन की तारीख तय हो जाएगी, इसीलिए पटना से रांची के बीच ट्रैक को इस ट्रेन के मुताबिक दुरुस्त भी किया जा रहा है क्योंकि हाई स्पीड ट्रेन है। उम्मीद ये की जा रही है कि इसी महीने इसका परिचालन प्रारंभ कर दिया जाएगा, लेकिन बिहार राज्य के अनुरूप अगर आप देखें तो बहुत बड़ी ये सौगात जरूर साबित होगी। देखिए, वंदे भारत का इंतजार बिहार के लोग बड़ी ही शिद्दत से कर रहे थे, अब जबकि उनका ये इंतजार खत्म होने जा रहा है तो लोगों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। अच्छे लग रहा, फेमस है, पब्लिक के लिए सुविधा के लिए काफी कम समय में जाने के लिए यात्री को सुविधा होगी। हर सुविधा लगाए हुए, कैमरा मशीन और जो भी सुविधा रेल अपने दिए है अच्छे से दिए थे। ये बिहार के लिए, हाँ, बिहार के लिए बहुत अच्छे, गर्व की बात। इसमें कंफर्टेबल बैठने वाला भी है और बहुत सारा चीज है।
जो नॉर्मल ट्रेन में नहीं जाता। पटना में पहली बार आया है तो खुशी तो होगी रहा, अपने शहर में आया है घूमने में, अब काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, कुछ लुक बढ़िया है, सीट भी अच्छे डिजाइनर से है, काफ़ी अच्छा लुक है और गर्व की बात है कि मेक इन इंडिया है, भारत की ट्रेन है। और अब बात मिसाल की, मेहनत की बात, कहानी हो रही है हमारी मजदूर माँ बाप की टॉपर बिटिया की, महाराष्ट्र के वाशिम की बेटी जिसने 10वीं में 93% अंक हासिल करके कमाल कर दिखाया, वो भी बिना ट्यूशन के घर में ही खुद से पढ़ाई करके। पूनम की माँ खेत में मजदूरी करती हैं और पिता की चाय की मामूली दुकान है। माता पिता को बेटी पर बहुत गर्व है और बेटी अब आगे भी माँ बाप के सपनों को उड़ान देना चाहती है। पूनम ने साबित कर दिया है कि हालात विपरीत होने के बावजूद मेहनत और लगन से हर मंजिल को पाया जा सकता है।